हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइड रिड्यूसर बना करके दिखाऊंगा। 225 के ट्रे में 150 mm का साइड रिड्यूसर बना करके दिखाएंगे। इसका मार्किंग किस तरीके से किया जाता है, इसका कैसे मेजरमेंट हम निकालते हैं, किस तरीके से इसको मार्किंग करेंगे, उसके बाद इसको हम पैटिंग करेंगे, फिर इसको हम बाइंड करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊँगा आसान तरीके से। तो वीडियो में बने रहिए और शुरू से आखिर तक वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर अगर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए, ये हमारा 225 का ट्रे है और इसमें हम आपको साइड रिड्यूसर बना करके दिखाएंगे 150 mm का। तो इसका मार्किंग देखिए हम किस तरीके से करते हैं, वो मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये देखिए किस तरीके से इसका मेजरमेंट हम लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा 225 का ट्रे है, देख सकते हैं ये हमारा 225 यहाँ पे आ रहा है और हमको रिड्यूसर बनाना है कितना, 150 mm का। तो ये देखना है आपको 150 mm यहाँ से कहाँ पे आ रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा 200 mm है, यानी कि 20 सेंटी। तो यहाँ से यहाँ ये हमारा 100 mm हो जाएगा और यहाँ से यहाँ ये हमारा 150 mm हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर एक निशान लगा देना है 150 mm पे। तो इस तरीके से हमने ये 150 mm पे हमने निशान लगा दिया। तो ये भी देखना है आपको कि रिड्यूसर आपको किस तरफ बनाना है, ठीक है। अगर इस तरफ बनाना है तो इस तरफ ही आपको मार्किंग करना है, और अगर इधर से बनाना है तो इधर से हमारा यहाँ पे आ जाएगा 150 mm, ठीक है। तो हम इधर से बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया 150 mm पे, और बाकी का हिस्सा जो हमारा देख सकते हैं यहाँ से कितना बचा है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको ये दूरी देखना है, हमको यहाँ कितना छोड़ना है आगे का, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए हम कुछ दूरी पर इसका एक मार्किंग करेंगे, है ना, ताकि हमारा आगे का ट्रे जो है दूसरे ट्रे में ज्वाइंट हो सके। हम इसको कपड़ा लगा करके ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा 300 mm पे मेजरमेंट टेप है, देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक निशान लगा दिया यहाँ पे, एग्जांपल के लिए हमको जितना इतना छोड़ करके इसका रिड्यूसर बनाना है, ठीक है। तो ये हमने मार्किंग कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये मार्किंग कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको पूरा सीधा सीधा राइट एंगल से जहाँ हमने मार्किंग किया सेम पूरा मेजरमेंट से ये पूरा मार्किंग कर देना है आपको, ठीक है। तो ये हम चलिए यहाँ से पूरा ये मार्किंग कर दिए, देखिए। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर देना है। तो ये देखिए ये मार्किंग हो गया हमारा, ये देख सकते हैं ये हमारा 150 mm का ये मेजरमेंट हमने ये निकाल दिया इधर का साइड का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारा मार्किंग है यहाँ से आपको मेजरमेंट टेप पकड़ना है इस तरीके से, ठीक है, और एक निशान लगा देना है आपको 1100 mm पे, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने यहाँ 1100 mm लिया, ठीक है। उसके बाद इसको राइट एंगल से हम मार्किंग करेंगे। ये वाला जो मार्किंग है हमारा ये सीधा आपको यहाँ पे लेकर के आ जाना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमने जितना लिया है कितना लिया, 1100, है ना, 1100 mm यानी कि 11 सेंटी। तो सेम मेजरमेंट आपको इधर करना है, यहाँ से जितना हमने यहाँ पे लिया सेम मेजरमेंट हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने कितना किया था, 11 सेंटी, यानी कि 1100 mm। तो देख सकते हैं यहाँ से हमने 1100 mm पे एक मार्किंग कर दिया। तो सेम मेजरमेंट आपको इसी तरीके से करना है, और उसके बाद ये वाला जो मार्किंग है हमारा इसको इस तरीके से राइट एंगल से ये यहाँ पर मिला दें, ठीक है। देख सकते हैं किस तरीके से हमने मार्किंग किया, सेम आपको मार्किंग इसी तरीके से करना है। और ये जो हमने मार्किंग किया ये आपको काटते हुए यहाँ तक काट देना आपको, ठीक है। यहाँ से काटते हुए यहाँ पे आ जाना है, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक काट देना है इसको, ठीक है। ये कटिंग हो जाएगा आपका, उसके बाद इधर भी आ जाए, इधर भी आपको मार्किंग करना है। तो ये देखिए ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन को आप इधर लेकर के आ जाए, और ये जो हमारा मार्किंग है ये लाइन है इसको भी आप इधर एक निशान लगा दें इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों मार्किंग आपको इधर लेकर के आ जाना है, और यहाँ पे एक सीधा सीधा इस तरीके से इसको मार्किंग कर दें। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको आपको भी कटिंग करना है, ठीक है। ये आपका भी कटिंग हो जाएगा, तो ये मार्किंग मुकम्मल हो गया आपका। इस तरीके से आपको साइड रिड्यूसर का मार्किंग करना है। तो ये हमारा 225 का ट्रे है और 150 mm का ये हमारा रिड्यूसर बन जाएगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ हम काटेंगे और ये हमारा पूरा कट जाएगा। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं जितना हमारा ये 1100 mm है इधर, और ये भी 1100 mm है, तो ये 1100 mm इसके ऊपर आ जाएगा, ये 1100 mm के ऊपर, ठीक है। बाकी का ये जो हिस्सा बचा है ये लाइन से इधर आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा।
बाकी का आगे का जो हिस्सा कुछ बचेगा हमारा तो उसको हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कटिंग करते हैं और कटिंग करके फिर हम आपको दिखाएंगे, फिर इसको बैंड करके भी दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने पूरा कटिंग कर दिया, देख सकते हैं। और ये हमारा यहाँ से जो हमने ये मार्किंग किया ये भी कटिंग कर दिया। और ये हमारा आई कट है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक हमको कटिंग करना है और ये हमारा भी कट के निकल चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको बैंड करके भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए इस तरफ से भी हम आपको दिखा देते हैं, ये हमने जैसा मार्किंग किया था सेम सेम ये हमारा कटिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ से इसके ऊपर तक यहाँ पे आकर के ये बैठ जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये इसके ऊपर आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बैंड करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 150 mm का रिड्यूसर बन गया है, ये देख सकते हैं। ये हमने किस तरीके से बैंड किया है, सेम सेम इसी तरीके से आपको बैंड कर लेना है। और ये जो आगे का हिस्सा ये जो बचा हुआ है इसको सीधा आपको ये मार्किंग कर लेना है, जैसे हमने ये आगे तक यहाँ तक मार्किंग किया है। आपको यहाँ से ये कटिंग करते हुए ये पूरा यहाँ तक इसको कटिंग कर देना है, ठीक है। ये आप पूरा काट दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आगे का हिस्सा कटिंग कर देना है। तो ये हमारा रिड्यूसर बन चुका है, तो चलिए हम इसको मेजरमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये 150 mm का रिड्यूसर बन गया फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।